भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय केशरी नाथ त्रिपाठी की 13वीं पर शुक्रवार को कई वरिष्ठ नेताओं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक सहित कई दिग्गजों का जमावड़ा रहा। सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आए सभी मंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर इसे दुखद घटना बताते हुए कहा कि यह पार्टी की अपूर्णीय क्षति है जिसे दूर कर पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे मैं उनको पूर्व गवर्नर के रूप में अथवा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं देखता, अथवा पूर्व मंत्री के रूप में नहीं, अथवा कोई भारत की राजनीति के एक स्टालवर्ट के रूप में मैं नहीं देखता हूँ। उनको मैं एक बड़े भाई के रूप में सदैव मैंने देखा है और उनके साथ हमारे इसी प्रकार के रिश्ते थे। उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता तो मैं समझता हूँ कि कम से कम उत्तर प्रदेश तो अच्छी तरह परिचित है। अब उनके न रहने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज त्रयोदशा का कार्यक्रम था तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया था। सर, आप देश के रक्षा मंत्री हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब है, वित्तीय है, आटे के लिए वो मोहताज हो गया है, क्या कहेंगे इन परिस्थिति पे पाकिस्तान जो करता है उसका परिणाम किस तरह भुगत रहा है? मैंने मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे या तो हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इसलिए चाहे पाकिस्तान का कोई हो चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हो, संकट में न रहें लोग, सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें, कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो, हम तो यही कामना करेंगे। चाइना की अगर बात करें तो चाइना कोरोना की महामारी के बाद भारत की जिस तरह अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, हम ब्रिटेन से भी अच्छी अर्थव्यवस्था है, चाइना बार बार आग दिखाता है, किस तरह से उसको सबक सिखाने के लिए या भारतीय सीमा सेना तैयार है क्या? ये चाइना को अच्छी तरह मालूम है, मैं समझता हूँ मुझे उस संबंध में टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि इकॉनमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था के आकार का प्रश्न है, इस समय भारत दुनिया की टॉप 5 इकॉनमीज में आकर जो है खड़ा हो चुका है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अब यह मानने लगे हैं कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकॉनमीज में, अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, 25 केशव त्रिपाठी जी की 13वीं संस्कार के अवसर पर हम सब आए हैं, हम सब दुखी हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सिद्धे त्रिपाठी जी ने अपने जीवन काल में विधि के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में और विधायिका के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। उनकी वाणी, उनकी विद्वता का कोई बराबरी नहीं कर सकता, अपूर्णीय क्षति है हम सब के लिए, और हम सब साथी, हम सब उनके परिवार के सदस्य ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर परिवार को इतनी ताकत दें जिससे वो असहनीय पीड़ा को सह सके, और हम सब त्रिपाठी जी के परिवार के साथ हमेशा रहेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो टी शर्ट में कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या बात करेंगे भैया? इस दौरान भाजपा पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता शामिल रहे। इसके पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने स्वागत किया। इस दौरान मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री सहित अन्य अधिकारीगण एवं भाजपा के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।